नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव के लिए दस्तक गारंटी की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में तीनों कूड़े के पहाड़ को हम खत्म करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्किंग समस्या और आवारा पशुओं से दिल्ली को निजात दिलाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से दिल्ली चलाने वालों को वोट देने का आग्रह भी कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने यह भी कहा है कि बीजेपी को चुनाव में 20,000 सीटें नहीं मिलेंगी और उन्होंने यह भी कहा है कि दिल्ली में जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें जल्द ही पक्का कर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा अपने वादों को पूरा करती है और बीजेपी की नीयत बेईमान है और वो वचन पत्र जारी करती है और फिर 5 साल बाद कुछ नहीं करती। और एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, हमें मिलकर दिल्ली को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाना है। दिल्ली वालों के लिए आम आदमी पार्टी ने नगर निगम चुनाव की 10 गारंटी दी है और दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को ही वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को मतगणना होगी। और दिल्ली में 250 वार्ड हैं जहां पर इलेक्शन करवाए जाएंगे और पिछली बार की तरह इस बार भी ईवीएम का यूज किया जाएगा। तो बता दें आपको कि 18 अक्टूबर को ही केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि संशोधित मतदाता सूची की अंतिम तिथि 1 जनवरी 2022 है और इसे एमसीडी चुनाव के लिए मतदाता सूची के रूप में माना जाएगा। इसका मतलब है कि जो लोग 1 जनवरी 2022 तक मतदाता बने हैं वे ही आगामी एमसीडी चुनाव में अपना वोट डाल सकेंगे। और इसी खबर पर आप नेता अनुराग मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही आपसे रहेगा, अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटियों की घोषणा कर दी है। जी, केजरीवाल जी गारंटी के लिए जाने जाते हैं और भारत की राजनीति में उन्होंने एक नए शब्द को गढ़ा है, गारंटी। क्योंकि बहुत से राजनीतिक दलों ने जनता को इतनी बार धोखा दिया है, घोषणा पत्र के नाम पर चीटिंग होती है और बाद में उनके वादे पूरे नहीं होते हैं और वादे तो वादे हैं, वादों का क्या कहना, इस तर्ज पर लोग काम करते हैं। तो अब लोगों के और पार्टियों के लिए मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि हम जो भी वादा करते हैं वो वादा ना होकर के गारंटी होती है और उसको पूरा करते हैं। तो राजनीति में, लोकतंत्र में जवाबदेही होना बहुत आवश्यक होता है और उस जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है और निश्चित तौर पे हमें भरोसा है कि हमने जो गारंटी दी है उस पर जनता विश्वास करेगी और इस बार एमसीडी में पूरे के पूरे तरीके से हम लोग पूरे बहुमत के साथ बहुत मजबूती से आ रहे हैं। जी अनुराग मिश्रा जी, तो ये माना जाए कि इस बार कूड़े के ढेर पे ही राजनीति होने जा रही है? कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वो तो लोगों के सामने है, दिखाई दे रहे हैं। और कूड़े के ढेर जो दिखाई दे रहे हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी कूड़े का ढेर बन चुकी है, क्योंकि उनके पास अपनी कोई विचारधारा नहीं रह गई है और वो जितने कूड़े करकट राजनीति के हैं उनको खरीद करके ऑपरेशन लोटस चला करके पूरों को इकट्ठा कर रही है। तो जहाँ अनुराग मिश्रा जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जुग्गी की जगह फ्लैट दिए जाएंगे और उन्होंने कई जगह पर जो है चाबियां भी बांटी है फ्लैट की, जिस तरह से आपने देखा होगा। अभी देखिए, ये मैंने फिर से कहा कि वादों को करके मुकर जाना ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना बिजनेस है। अब लोग उनके छाते में आने वाले नहीं है और दिल्ली के लोग तो कभी नहीं आ रहे हैं और इस बार के एमपीडी चुनाव में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी 20 से कम सीट पर सिमट कर रह जाएगी। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि कच्चे जो कर्मचारी हैं उनको पक्का कर दिया जाएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता को जुमलेबाजी दिखाई जा रही हो? बिल्कुल नहीं है, हमने अभी ये तो हमारी शुरू से पॉलिसी रही है कि जो भी कच्चे हैं उनको पक्के करने का काम हम लोग करते आए हैं और पंजाब में भी हमने किया है और एमपीडी में आएंगे तो करेंगे। तो जब हमने ये गारंटी शब्द लगा दिया तो उससे फिर जितने भी 10 गारंटी हैं उसको पूरा करेंगे। जी अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम ये 10 गारंटी जारी कर रहे हैं और मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे पिछली बार हमने जितनी गारंटी दी थी सबके ऊपर काम चल रहा है, काम किया, कई गारंटी पूरी की, कई गारंटियों पे काम चल रहा है,
ऐसे ही एमसीडी की भी सभी गारंटियों पे 10 की 10 गारंटियों को हम अगले चुनाव के पहले पूरा करेंगे। पहली गारंटी है दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। बहुत दुख होता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कीचड़, नालियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। कोई भी आएगा, आप खुद के लिए भी गर्व की बात होगी, साफ सुथरी सड़कों पे चलेंगे, मन लगेगा, और बाहर से भी कोई आएगा कहेगा हाँ यार दिल्ली सुंदर शहर हो गया। पहली चीज कि दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको खत्म करेंगे। दूसरी, अभी इन्होंने कई प्लानिंग कर रखी है, कोई कह रहा 16 नए पहाड़ बनेंगे, कोई कह रहा 20 बनेंगे, कोई कह रहा 25, क्योंकि जो मौजूदा तीनों कूड़े के पहाड़ हैं उस पर और कूड़ा डालने में दिक्कत हो रही है, वो अनस्टेबल हो गए हैं, वो गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, अनसेफ हो गए हैं। तो अब ये नई नई जगह ढूंढ रहे हैं लैंडफिल, नई लैंडफिल साइट्स के लिए। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा देना चाहता हूँ, ये तीनों कूड़े के पहाड़ तो खत्म करेंगे ही करेंगे, कोई भी नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं बनेंगे, कोई नया लैंडफिल साइट नहीं होगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्थानीय लोगों ने एक ड्रोन एक्टिविटी देखी है। ये ड्रोन पाकिस्तान की ओर से भेजा गया था और ये ड्रोन एक्टिविटी हीरा नगर के ही बनियादी गांव में देखी गई है। स्थानीय लोगों ने जब इस पाकिस्तानी ड्रोन को देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और तुरंत ही पुलिस हरकत में आई और ड्रोन के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। और गाँव के लोगों ने बताया है कि ये ड्रोन उन्होंने गुरुवार तड़के देखा था। फिलहाल इसके बारे में ये जानकारी आना बाकी है। बता दें आपको, सीमा पार से पंजाब और जम्मू कश्मीर में लगातार ही ड्रोन एक्टिविटी देखी जा रही है और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल सीमा पार से कई आतंकी संगठन और खुफिया तंत्र ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई के लिए करते हैं। और आपको बता दें कि हाल ही में घाटी में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन मामलों को लेकर ही इन हमलों में ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की पुष्टि भी हुई है। वहीं पंजाब में भी ड्रग्स के धंधे के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पूरे मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घाटी में ही सेना से सीनियर अधिकारियों से चर्चा भी कर चुके हैं। और मुंबई पुलिस ने 13 नवंबर को ही 12 दिसंबर तक ड्रोन रिमोट से नियंत्रित विमान, निजी हेलीकॉप्टर और गर्म हवा के गुब्बारों की उड़ानों पर रोक लगा दी है ताकि आतंकवादी गतिविधियों के लिए इन वस्तुओं के संभावित इस्तेमाल को कम किया जा सके। और सोमवार को जारी आदेश के अनुसार शहर की पुलिस द्वारा हवाई निगरानी या पुलिस उपायुक्त द्वारा लिखित विशेष अनुमति के अलावा, बता दें आपको कि गृह नई मुंबई पुलिस आयुक्तालय की ही सीमा के उपरोक्त निजी उड़ान वस्तुओं की किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को ही कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री इसलिए बन सके क्योंकि कांग्रेस ने संविधान की रक्षा की। खड़गे ने एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन वो अपने वादे को पूरा कर पाने में नाकाम रही है और उन्होंने मोदी सरकार पर सार्वजनिक संपत्तियों को कुछ चुनिंदा लोगों को बेचे जाने का भी आरोप लगाया है। और खड़गे ने, आपको बता दें कि खड़गे ने ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस और इसके साथ ही, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ही नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता अक्सर पूछते हैं कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया है। कांग्रेस द्वारा स्थापित PSU अब बेचे जा रहे हैं। हमने संविधान को बचाया और इसलिए मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। उन्होंने कहा अब वे केवल 75,000 नौकरियां दे रहे हैं और 18 करोड़ नौकरियां कहाँ है। देश की संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों को बेची जा रही है। खड़गे ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार हवाई अड्डों और इसके साथ ही बंदरगाहों को बेच रही है और देश की संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में जा रही है। इस रैली में कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले, महाराष्ट्र के ही पूर्व मंत्री बाला साहेब
और इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने भी बीजेपी पर निशाना साध दिया है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ये दक्षिण भारत के कई राज्यों को होते हुए महाराष्ट्र पहुंची है। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और युवाओं को कोई नौकरी नहीं। आज युवा डिग्रियां लेके रास्ते पे घूम रहे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन इससे पहले बीजेपी सरकार ने ये कही, क्या कही प्रधानमंत्री, क्या कहे, हर साल 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। और इसी खबर पर कांग्रेस नेता अनुज अत्रे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज अत्रे, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है खड़गे ने। हाँ देखिए, जो आपने अभी दिखाया है, जो खड़गे जी ने कहा है, वही वास्तविकता है देश की। और खड़गे जी ने तो देश की जनता को कहा है कि अपनी आंखें खोलने का समय है। 8 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बने हुए। जितने वायदे इन्होंने 2014 के चुनाव से पहले किए थे, जितनी बुराई इन्होंने कांग्रेस की सरकार की थी, और एक जो सपनों का भारत इन्होंने दिखाया था, अच्छे दिन लाने का वायदा किया था, आज बता दीजिए 8 साल का अपना काम का लेखा जोखा। 60 साल बनाम 60 महीनों का जिन्होंने नारा दिया था, वो 60 महीने के बाद भी अभी 36 महीने ऊपर से और हो गए, तो क्यों नहीं जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दें कि बताएं कि क्या परिवर्तन आया है इस देश में 2014 के बाद में। क्या 2014 से पहले का जो भारत था और आज 2022 का जो भारत है, क्या उसमें क्या परिवर्तन आया? देश की जनता को जुमले देना, देश की जनता को बरगलाना, देश के युवाओं को, देश के वोटरों को, देश के मतदाताओं का नासमझ समझना, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। आप प्रचार करके और ये एक बहुत अच्छा अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं कि भारत में हमारे सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जब जनता अपने आप को देखती है, महसूस करती है, अपने घर को देखती है, गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी अपने परिवार में देखता है, अपनी जेब के अंदर देखता है, तो उसको जेब खाली मिलती है। आपसी जो देश का माहौल है वो खराब होता जा रहा है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो जो यात्रा निकाल रहे हैं, आज उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या इस पे सोचने की नहीं इनको जरूरत है? आज क्यों कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक देश का एक इतना बड़ा नेता जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले पैदल चल रहा है, जनता को साथ लेकर के चल रहे हैं और जनता प्रचंड बहुमत के साथ उनके साथ चल रही है? क्योंकि आवश्यकता खड़ी है। ऐसा इस देश का माहौल इन्होंने खराब कर दिया है कि वो संभलते नहीं। अनुज अत्रे जी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जो जरूरत पड़ गई है भारत जोड़ो यात्रा निकालने की, तो क्या कांग्रेस को भारत टूटा हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी ने भारत को तोड़ दिया, ऐसा कहना चाह रही है कांग्रेस? देखिए, तीन मूल मुद्दों को लेकर के, तीन उद्देश्यों को लेकर के यात्रा निकाली जा रही है। किस तरह से आज देश की हमारी अर्थव्यवस्था खंड खंड हो गई है, अर्थव्यवस्था को उसकी रीढ़ की हड्डी आर्थिक रूप से देश को तोड़ दिया गया है, तोड़ने के साथ साथ खंड खंड हो गया। क्या आपको नहीं पता कि आज आर्थिक स्थिति हमारी देश की और देश के साथ साथ जनता की क्या हो रही है? क्यों लगातार हमारी अर्थव्यवस्था निरंतर, ये जब से सरकार बनी है, इनकी गलत नीतियों की वजह से बिगड़ती गई है? आज उसको जोड़ने की और उसको वापस पटरी पे लाने की आवश्यकता नहीं है? क्या वजह है कि हमारे इस देश का जो सामाजिक ताना बाना है, जो आपसी भाईचारा है, क्या किसी से छुपा नहीं है कि वो आपसी भाईचारा और सामाजिक ताना बाना टूट चुका है? पूरी तरह से तोड़ने का इन्होंने जो प्रयास किया था वो टूट चुका है। क्या वो नहीं जुड़ के रहना चाहिए? क्या आपस में हमको एकजुट होकर के नहीं रहना चाहिए? जो कांग्रेस का नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्या उनको जोड़ने की नहीं आवश्यकता है? क्या आज हम आपस में बिखर नहीं चुके हैं? क्या टूट नहीं चुके हैं? बिल्कुल। और तीसरी बात, खड़गे ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था और उन्होंने कहा यह भी है कि अब वे केवल 75,000 नौकरियां दे रहे हैं। देखिए, ये तो सरकार कह रही है, खड़गे जी ने तो वही कहा है जो इनकी भाजपा की केंद्र की सरकार ने कहा है कि हम 75,000 नौकरी दे रहे हैं और उसमें से भी ज्यादातर नौकरी वो है कि जो वो 4 साल के अग्निवीर बना करके जिनको दे रहे हैं। सोचिए कि क्या हालात हो गई देश का, कि आज सेना में भी ये जो है परमानेंट नौकरियां नहीं दे सकते हैं,
और विभागों में क्या है, यही तो गडकरी जी ने भी कहा है कि सरकार नौकरी दे कहां से जब नौकरी है नहीं। आप तो नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं, सरकारी नौकरियों का सरकारी सिस्टम खत्म करते जा रहे हैं, आपने पेंशन सिस्टम खत्म कर दिया, आपने तनख्वाह देनी खत्म कर दी है। ऐसा तो देश जब आजाद हुआ था हम लोगों के पास संसाधन नहीं थे, इतनी आर्थिक रूप से मजबूती नहीं थी, तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेना को तनख्वाह देने के लिए देश के पास पैसा ना हो, पूर्व सैनिकों को पेंशन देने के लिए पैसा ना हो। और एक मजबूत अर्थव्यवस्था जुड़ने के लिए धन्यवाद। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के कई रूप देखने को मिल रहे हैं और पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है वहीं कई हिस्सों में ही हल्की वर्षा और बर्फबारी होने की भी खबर है। हवा का रुख बदलने से उत्तर भारत में पारा लुढ़कने लगा है और राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि के पारा गिरा है। और उधर तमिलनाडु की अगर बात कर दें और पुडुचेरी में भी भारी बारिश से शिक्षा संस्थानों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार एंटी साइक्लोन यानी प्रति चक्रवात के ही कारण हवाओं का रुख बदल गया है और उत्तर पश्चिमी बयार बहने लगी है और इससे देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ेगी और कुछ उत्तर पश्चिमी राज्यों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का भी अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ने से हवा की दिशा बदली है और अब तक पूर्वी हवाएं चलने से गर्मी का एहसास हो रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 65वां दिन है और महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में ये 5 दिनों से जारी है। शुक्रवार दोपहर बाद ये पड़ोसी हिंगोली जिले में प्रवेश करेगी। हिंगोली में शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे यात्रा में राहुल गांधी का साथ देंगे और कांग्रेस ने यह भी बताया है कि आदित्य ठाकरे आज शाम को करीब 4 बजे महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, शिवसेना विधायक सचिन अहिर के साथ भारत जोड़ो पदयात्रा में शामिल होंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को ही तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और यात्रा आज 65वें दिन में प्रवेश कर गई है। 7 नवंबर की रात को ये पड़ोसी तेलंगाना प्रांत से ही महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के ही देगलुरु में पहुंची थी। प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर ही दिल्ली बनाम केंद्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की याचिका दायर करने पर रोक लगा दी है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी और इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघली ने ही बताया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मामले में एक हल्फनामा दाखिल किया है और दिल्ली सरकार का मामला है और चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण नौकरशाहों और अधिकारियों पर किसी भी तरह से प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर कर दिया है। अधिकारी केंद्र सरकार के आदेशों पर उपराज्यपाल के माध्यम से नियुक्ति या तैनाती पाते हैं। हेड स्पीच मामले में ही सपा नेता आजम खान को अपर जिला और सत्र न्यायालय एसपी और एमएलए सेशन कोर्ट में ही झटका लगा है। उनकी तरफ से जो स्टे एप्लीकेशन दायर की गई थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सबसे पहले रामपुर कोर्ट ने हेड स्पीच मामले में आजम खान को दोषी माना था और उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई और इसके साथ साथ उनकी विधानसभा वाली सदस्यता भी रद्द कर दी गई। दरअसल आजम खान का पक्ष हेड स्पीच मामले पर ही एमपी और इसके साथ ही एमएलए कोर्ट में रजिस्टर्ड ट्रायल कोर्ट के 3 साल की सजा के फैसले के खिलाफ कोर्ट में गया था लेकिन कोर्ट से आजम खान को झटका लगा है। अब सपा की ही तरफ से सेशन कोर्ट में ही रामपुर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और उम्मीद थी कि आजम खान को वहां से राहत मिल जाएगी लेकिन अभी के लिए इस कोर्ट ने फिर सपा नेता को ही राजनीतिक झटका दिया है, उनकी राहत वाली अर्जी को खारिज कर दिया गया है यानी कि उनकी सजा बरकरार रहने वाली है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को ये राहत जरूर हासिल हुई थी कि रामपुर में उपचुनाव कराने को लेकर प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी। दरअसल निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव पर रोक लगा दी। आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है और 10 नवंबर को ये अधिसूचना जारी होनी थी।
हरिद्वार के रुड़की विकास प्राधिकरण की ही भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लांटिंग से सील तोड़ने वाले भू माफियाओं के खिलाफ ही FIR दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके साथ ही HRDA के सहायक अभियंता ने भू माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। इसको लेकर देवबंद रोड पर 8 अवैध कॉलोनियों और एक इमारत को सील किया गया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता शहजाद राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, भू माफियाओं के खिलाफ HRDA का सख्त नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, रुड़की विकास प्राधिकरण की अगर बात करें तो रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारी जो है इस वक्त सिलेक्शन मोड में है। वो देखा जाए तो बाहरी प्रदेशों से आकर उत्तराखंड में जो अवैध प्रोटिंग कर कॉलोनिया काट के भारी अपनी चांदी काट रहे हैं, उनके खिलाफ विकास प्राधिकरण एक्शन में थे और उन्होंने आज अगर बात करें तो देवगन रोड पर 8 निर्माणधीन कॉलोनियों को सील किया है, जिसमें एक भवन को भी सील किया गया है। और वहीं सहायक अभियंता DS रावत का कहना है जो लोग अवैध निर्माणों को सील किए गए सील तोड़कर प्लॉटिंग कर निर्माणधीन हुआ कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ अब जल्दी SRI भी उनके जो क्षेत्रीय थाने भवन में कराई जाएगी और बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी जी शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। राज्य स्तरीय सम्मान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने सम्मान नागरिक संहिता के प्रस्तावित प्रारूप को लेकर ही लोक निर्माण विभाग अतिथि ग्रेवरोला में आम नागरिकों के साथ परिचर्चा की है और उनके सुझाव लिए हैं। परिचर्चा के दौरान उपस्थित कई गणमान्य और महिलाओं नागरिकों समिति को ही अपने अपने सुझाव दिए और समिति के ही पूर्व मुख्य सचिव सदस्य शत्रुघ्न सिन्हा और इसके साथ ही डॉक्टर सुरेखा डंडकवाल और इसके साथ ही समाज सेवी डॉक्टर मनु गोड़ ने बताया है कि समिति राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का ही भ्रमण कर लोगों को सम्मान नागरिक संहिता की जानकारी दे रही है और जनता के सुझाव भी प्राप्त कर रही है और समिति पूरे राज्य में भ्रमण कर आम लोगों से विशेष तौर पर महिलाओं और युवाओं से परिचर्चा करते हुए विवाह संरक्षण तलाक और गौ का लेन देन और उसके साथ ही संपत्ति का अधिकार आदि विषयों पर सभी के साथ विचार और सुझाव लिए जा रहे हैं और ताकि सभी की अनुकूलता के हिसाब से ही समान कानून तैयार हो और आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिले। श्री सत्य साई स्वास्थ्य और शिक्षा ट्रस्ट का उत्तराखंड में पहला मात और शिशु के सेवा केंद्र का ही शुभारंभ उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ही किया है और इस अवसर पर काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और परमार्थ निकेतन के परमाध्यम स्वामी चिंदानंद मुनि और इसके साथ ही रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सत्य साई बाबा के आशीर्वाद से श्री सत्य साई स्वास्थ्य और शिक्षा ट्रस्ट मानव सेवा के क्षेत्र में ही विशेषकर मातृ और शिशु सेवा क्षेत्र के अन्य प्रांतों में कार्य रही है और इसके साथ ही बताया कि अब उत्तराखंड में भी सेवा के लिए रायवाला से शुरुआत कर रही है जो कि गौरव की बात है और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवों और संतों की भूमि है और संत ही मनुष्य जीवन को सही मार्गदर्शन के लिए और साथ ही अंत तक लेकर जाता है और कार्यक्रम में परमार्थ निकेतन के ही परमाध्यम स्वामी चिंदानंद मुनि और महाराज ने बोलते हुए कहा कि सत्य साई बाबा एक महान संत थे जिन्होंने मनुष्य को निस्वार्थ मानव सेवा का मंत्र दिया है और कार्यक्रम में प्रदेश के काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्य साई ट्रस्ट के निस्वार्थ सेवा उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री सत्य साई स्वास्थ्य और शिक्षा ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर श्रीनिवास ने ही बताया कि ट्रस्ट द्वारा फिलहाल रायवाला से छोटी शुरुआत की है और निकट भविष्य में उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर पहाड़ी क्षेत्रों और पिछले इलाकों में ही जाकर मानव सेवा कर काम करेंगे। सेवा केंद्र के स्थापन में रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा का भी योगदान रहा। और इसी खबर पर हमारे साथ ही रायवाला से संवाददाता चित्रवीर क्षेत्रीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चित्रवीर, जिस तरह से राज्यपाल ने सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है, पूरी अपडेट क्या है? जी मैम, राज्यपाल जी ने यहाँ रायवाला में गंगा जी के किनारे रामानुग्रह आश्रम में इसका उद्घाटन किया है। सत्य साई बाबा का एक ट्रस्ट है
वो मदर एंड चाइल्ड को फ्री सेवा देती है, उसका उद्घाटन किया है। और उन्होंने चेयरमैन ने बताया है कि हम आने वाले समय में नजदीक निकट भविष्य में उत्तराखंड के पूरे राज्य में पिछड़े इलाकों में और पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर मातृ और शिशु की सेवा करेंगे। चित्रवेद, इस ट्रस्ट का मकसद क्या बताया जा रहा है, लोगों तक जो भक्ति की भावना पहुंचाई जा रही है और जो जागरूक किया जा रहा है? ट्रस्ट के चेयरमैन सी श्रीनिवास ने बताया कि ट्रस्ट का जो मुख्य उद्देश्य है मातृ और शिशु की सेवा करना और उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करना, उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य के लिए काम करना और निःशुल्क रूप से करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषिकेश से पिकअप वाहन चोरी कर शामली ले गए चार युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी हुआ पिकअप वाहन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपियों की पहचान मोहम्मद उमर फाजिल सैफी और इंतजार और इसके साथ ही इमरान अंसारी के रूप में की गई है। और आपको बता दें कि चारों आरोपी शामली के ही झिंझाना के रहने वाले हैं और जल्दी अमीर बनने के लिए लालच में आकर ही चारों युवकों ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामले का खुलासा SP देहात कमलेश उपाध्याय ने कर दिया है और उन्होंने बताया है कि 6 नवंबर की रात को ही वाहन चोरी कर चारों आरोपी शामली ले गए थे और CCTV कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस ने पिकअप वाहन का पीछा किया और आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए वाहन भी बरामद किया है। और चारों आरोपियों में शामिल फाजिल सैफी एक पेशे से ड्राइवर है, जो अपने मालिक की कार में बैठा कर ही तीनों साथियों को लेकर ऋषिकेश आया था और पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है, जहाँ कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया है। चले रुक करते अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले में लंबे समय से चली आ रही स्थानीय लोगों की मांग, पौड़ी देहरादून रोडवेज बस सेवा की शुरुआत हो गई है और यहां पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने आज हरी झंडी देकर ही पौड़ी देहरादून रोडवेज बस सेवा की शुरुआत की है और इस अवसर पर काफी संख्या में यात्री भी बस में मौजूद रहे। उत्साहित यात्रियों ने इसे विधायक की ओर से सराहनीय प्रयास बताया, तो वहीं विधायक राजकुमार पौरी ने जिले के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास के पौरी पहुंचने पर की गई मांग को लेकर जल्द पूरा होने के भी नगरवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और बस सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की नगरवासियों से इस दौरान उन्होंने अपील भी की है। इस दौरान विधायक ने भी बस में बैठकर अपने कार्यालय तक पहुंचे हैं और विधायक ने कहा है कि सुबह देहरादून पहुंचने के लिए अब स्थानीय जनता को इस बस सेवा की काफ़ी सुविधा होगी और वहीं देहरादून से वापस आने के लिए ये बस सेवा कारगर सिद्ध होगी। पौड़ी से जो है सुबह जो 6:30 बजे बस अभी अभी जो है माननीय विधायक जी के सहयोग से और माननीय प्रभारी मंत्री जी के आदेशों से आज जो है यहाँ से संचालित हो रही है। इससे यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी और देहरादून से आने में भी 2 बजे के बाद लंच के बाद ये गाड़ी 2 बजे चलेगी, तो उसमें भी जो है यहाँ पौड़ी आने वालों के लिए बहुत सुविधा होगी। इस गाड़ी के संचालन से पौड़ी वालों को और देहरादून वालों को खासकर जो है बहुत सुविधा हुई है, इसके लिए हमारे विधायक पौड़ी और हमारे जो है धन्यवाद के पात्र हैं। सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके लिए जो है बड़े समय से ये मांग चल रही थी और मैंने पिछले महीने देहरादून में मंत्री जी से बात करी थी और उन्होंने परसों यहाँ आकर तुरंत इसकी घोषणा कर दी। मैं उनका भी दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तुरंत जनता की आवाज को महत्व देते हुए पौड़ी के लिए जो बस लगाई है आज उसका शुभारंभ किया गया है और मेरे द्वारा उसका जो है आज गणेश किया गया है और आज से नियमित रूप से वो यहां से 6:30 बजे चलेगी और देहरादून से वापस 2 बजे पौड़ी के लिए रवाना होगी। इससे जो जिन लोगों को देहरादून से आने के लिए असुविधा होती थी, कोई गाड़ियां नहीं मिलती दिन के समय में, तो उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी और यहां से जाने के लिए सवेरे जिनको जल्दी देहरादून पहुंचना होता है अपने काम काज के लिए, उनको भी बहुत इससे लाभ मिलने वाला है। उनको सुविधा होगी, टाइम से वहां पहुंचेंगे और अपना काम करके 2-4 घंटे में अपना काम निपटा के वापस आ सकते हैं। तो इससे बहुत लाभ होने वाला है इस बस से
और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इस बस में जो है अपना योगदान करें इसको संचालन करने में और अधिक से अधिक संख्या में इसमें जाएं। नई संसद भवन नामकरण समिति उत्तराखंड के ही प्रदेश संयोजक श्रीकांत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही नाम पर नई संसद भवन का नाम रखने को लेकर ही जिले के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि रिपोर्ट भगवान तो जानकारी दे रहे हैं हम आपको पौड़ी की, जहां पर मंत्री चंदन रामदास ने जिला प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। तो पौड़ी जिले में ही नई संसद भवन नामकरण समिति उत्तराखंड ने जिले के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास को नई संसद भवन का नाम संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन रखने को लेकर पौड़ी में ज्ञापन सौंपा। और जानकारी देते हुए समिति के प्रदेश संयोजक श्रीकांत ने बताया कि नई संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन के नाम पर रखने से उन्हें देशवासियों की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी और आज जो बाबा साहब ने दिया है अपने भारत को उसके साथ आगे तो नहीं। संसद भवन डॉक्टर बीआर अंबेडकर पार्लियामेंट को लेकर हाउस पर नाम ही रखा जाना है और बहुत छोटी बात है। श्रीकांत ने बताया है कि जिस तरीके से तेलंगाना सरकार द्वारा विधानसभा में नई संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन रखे जाने पर प्रस्ताव पारित किया गया है, उसी तरीके से उत्तराखंड सरकार भी अपने विधानसभा पटल पर रखकर यह प्रस्ताव पारित करने का काम करे। आज जैसे कि पौड़ी में चंदन राम दास जी जो प्रभारी मंत्री हैं पौड़ी के, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने उत्तराखंड स्थापना दिवस जो पूरी धूमधाम से मनाया और उसी के चलते आज नई संसद भवन नामकरण समिति उत्तराखंड ने एक ज्ञापन उनको सौंपा है जो दिल्ली में जो पार्लियामेंट हाउस बनने जा रहा है वो बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर होना चाहिए। और मुझे और मेरी टीम को बड़ा आश्वासन उन्होंने यहाँ से दिया है कि मैं पूरी तरीके से ये अपने पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन भेजूंगा। इसमें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया लोकसभा भवन बन रहा है और मुझे यहाँ नई संसद भवन नामकरण समिति उत्तराखंड के लोगों ने एक ज्ञापन दिया है और मेरा प्रयास होगा मैं देश के राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को आपकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं भी पत्र भेजूंगा कि संविधान निर्माता के नाम से इस भवन का नाम रखा जाए तो देश को गौरवान्वित करने वाला होगा, इसमें मैं सार्थक प्रयास करूंगा। तो क्या यहाँ पे आपने दिया तो ये प्रकरण आएगा तो इसको उठाएंगे विधानसभा। देखिये आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुउद्देशीय हॉल का भी और भवन का भी मैंने लोकार्पण किया है क्योंकि आपके माध्यम से परीक्षण कराऊंगा और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं, उनके सम्मान में जो भी बन पड़ेगा उस पर कार्रवाई करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।